खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। अजब मंडला की गजब कहानी, निजी भूमि पर फसल उखाड़कर बनाई जा रही सड़क, जिले के जिम्मेदार विभाग खामोश, आवेदक काट रहे थाने के चक्कर, नहीं हो रही कोई कार्रवाई और ठेकेदार के गुर्गे दे रहे जान से मारने की धमकी, जनप्रतिनिधियों पर लग रहा कमीशन खोरी का आरोप। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत घुघरी के अंतर्गत ग्राम मांगा गजराज और पीपरदौन, जहां पर रवि जायसवाल कंस्ट्रक्शंस कंपनी जबलपुर पीडब्ल्यूडी विभाग से लगभग 3 करोड़ रुपए की सड़क का निर्माण कर रही है, जिसमें ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से पहाड़ों को खोदकर मुर्रम निकाली जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ठेकेदार कम में बम कर रहा है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा माइनिंग विभाग को की गई। अब देखना यह है कि माइनिंग विभाग इन फुटेज पर क्या कार्रवाई करता। यह तो रही मुर्रम चोरी की बात, हद तो तब हो गई जब ठेकेदार ने बगैर किसी स्वीकृति से असंवैधानिक तरीके से ग्रामीण कमल मरावी की फसल ग्रामीणों के साथ मिलकर उखाड़ कर वहां सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 2 किलोमीटर की सड़क निजी भूमि पर बनाई जा रही है। भूमि स्वामी के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। उसकी पत्नी लीला मरावी ने थाने पर शिकायत की है कि मेरे साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल इस मामले पर पूरा जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि साइलेंट मोड पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को गौड़वाना गणतंत्र पार्टी ने अपने संज्ञान पर लिया है और कार्यवाही न होने पर घुघरी जनपद पर बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें सारे जिम्मेदार अधिकारियों को घेराव किया जाएगा। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। और बिना सूचना, बिना खबर के, बिना अनुमति के जबरदस्त ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि ये विकास का काम है रुके करके, कम से कम हमसे पूछते, सहमति लेते, अनुमति लेते कि भाई यहाँ से रोड जाना है तो बनना है कि नहीं बनना है। हमें कोई खबर नहीं दी आज तक, ना गाँव वाले पूछे, ना कोई जनप्रतिनिधि पूछे हमसे। खड़ी फसलों पे जो है सड़क बना दी गई है। हाँ सर जी, पूरी गांव के लोगों के द्वारा खड़ी फसल को उखाड़ दिया गया है। फसल जो है कच्ची है, उकड़ के किनारे कर दिए हैं और पूरी मटेरियल भी सड़क से आना जाना कर रहे हैं। ये ठेकेदार द्वारा रात्रिकालीन में पूरा गिट्टी मुर्रम और पाइप के द्वारा रात में ढुलाई की जा रही है और पूरा फसल जो है उखाड़ के अलग कर दिए हैं। कि इसमें रात में काम किया जा रहा है बिना सूचना के। हम लोग विकास कार्य में बाधा नहीं डाल रहे हैं, हम लोग तो खुद सहयोग कर रहे हैं विकास में, लेकिन हमसे पूछा जाए, पहले सहमति लिया जाए, इसके बाद कार्य किया जाए, हम लोग खुद सहयोग करेंगे। सेल्समैन है सुखी राम जी, वो वोट बैंक के चक्कर में ये सब कुछ काम करवा रहे हैं अनलीगल तरीके से, और विधायक इसका संरक्षण जो है तो विधायक जी दे रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन को भी हमने सूचना दिया लिखित रूप में 2 बार, और SDM तहसीलदार सबको सूचना दी है लिखित रूप में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 1 सप्ताह हो गया, हम 2-2, 3-3 बार दे दिए, FIR तक नहीं कर रही पुलिस यहाँ की। लीला मरावी जी, उनको डराया धमकाया गया है, बलात्कार करने की तक धमकी दी जा रही है। इसके जैसे कि मैं रोड बना रहे हैं हमारी जमीन पे है, तो बिगर पूछे सूचना दिए नहीं है और हम लोगों की फसल को पूरे खराब कर दिए हैं। तो जब आप उसमें रोकने आए तो आपके साथ क्या किया? मैं रोकने आए तो कहे आप कौन होते हो रोकने वाले, कहे यहाँ रोड सेक्शन हो गया है। हाँ। तो हम रोड बनाएंगे ही बनाएंगे। हाँ, एक कमल मरावी करके आवेदक थे, उन्होंने परसों शिकायत दी है कि कोई जायसवाल कंस्ट्रक्शन है, इनके माध्यम से उनकी जो प्राइवेट लैंड है उस पर सड़क का निर्माण किया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी में नहीं ली गई है, आज हमारा हल्का पटवारी ग्राम में गया हुआ है, तो वो जानकारी लेके और विस्तृत रिपोर्ट देगा, तब मैं ज़्यादा बता पाऊँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें,
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।